जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। हनुमान जी आपको सौभाग्य दे, हनुमान जी आपको सफलता दे। तुला राशि वालों, आज शनिवार का दिन 23 जुलाई, गंड योग दोपहर 1:08 तक, उसके बाद वृद्धि योग। आज कृतिका नक्षत्र शाम 7:03 तक, जब आपकी कुंडली में सूर्य मंगल और शुक्र का प्रभाव आपको प्रभावित करेगा, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र का उदय होगा चंद्रमा और शुक्र के प्रभाव के साथ। आज आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र चंद्रमा का प्रभाव, राहु की छाया, मंगल और शनि की दृष्टि। तुला राशि वालों, सूर्य शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव वृद्धि योग में आज आपके जीवन में बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख और जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला सुंदर योग बनाएगा, क्योंकि आज के दिन सर्वात सिद्धि, अमृत सिद्धि और मधु सर्पिस योग है। आज का दिन बड़ा विचित्र है। आज आप अपने राशि फल को पूरा देखने की कोशिश करें। आज हम कुछ ऐसे बात आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत लाभदायक है और आपको सावधान करने वाला बात है। आज आपके जीवन में सुख भी है, धन भी है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है, मधु सर्पिस योग है, ऐसा योग जो जीवन में बार बार नहीं आता। आज ऐसा योग है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुला राशि वालों, आपकी कुंडली के सुख स्थान में शनि बैठा है। आज आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र चंद्रमा का प्रभाव है, राहु की छाया है, मंगल और शनि की दृष्टि है। आज शनिवार का दिन भी है, शनि का प्रभाव आज आपके जीवन में आपको सावधान बना रहा है। शनि सुख स्थान में बैठा है, थोड़े सावधान हो जाएं। हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं शनि के बारे में। पुराण के अनुसार पूर्व काल में जब शनि गोचर वश कृतिका नक्षत्र के अंतिम अंश में पहुंच गया, तो विद्वान ने रघुकुल भूषण राजा दशरथ को सावधान किया था कि शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ने वाला है, जिससे आपके जीवन में थोड़ी उलझने बढ़ेगी। यानी पुराण के अनुसार भी जब शनि ग्रह कृतिका नक्षत्र का भेदन करके रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करके आगे बढ़ रहा था, उस समय राजा दशरथ को भी सावधान किया गया था कि शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन करके आगे बढ़ने वाला है, जिससे ऐसा योग बनेगा जो आपके जीवन में आने वाले समय में कष्ट देगा। लेकिन राजा दशरथ ने उस सावधानी को नहीं देखा। इसी का अंजाम हुआ कि उसने कैकेयी को बर मांगने का अधिकार दे दिया। अब बाद में कैकेयी ने राजा राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा और राजा दशरथ अपने जीवन में उस मोड़ पर खड़े हो गए जहां उनके जीवन में उनका सब कुछ चला गया। यानी आप ऐसी गलती ना करें। आज शनि का गोचर कृतिका नक्षत्र के अंतिम अंश में पहुंचा है और रोहिणी का भेदन करने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, मधु सर्पिस योग है। यानी तुला राशि वालों,
आज आप किसी पर भरोसा न करें, किसी पर के बात पर थोड़ा भी भरोसा न करें और किसी को अपना वचन ना दें। नहीं तो आज आप अगर किसी को कोई वचन दे दिए और किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लिए तो आने वाला समय आपके लिए ठीक नहीं होगा। शनि का ऐसा योग है जो आपके जीवन में आने वाला समय में कष्ट देगा। आज नहीं देगा, वो आने वाला समय में देगा। तो आज आप सावधान रहें, आज आप किसी पर भरोसा ना करें। आज सूर्य शुक्र चंद्रमा का प्रभाव है, राहु की छाया है, मंगल और शनि की दृष्टि है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, अमृत सिद्धि योग भी है। यानी सूर्य जो आपकी कुंडली के कर्म स्थान में बैठा है बुध के साथ, आपके पुरुषार्थ को जगा रहा है, आपके अंदर साहस हिम्मत को बढ़ा रहा है कि जीवन का संपूर्ण सुख आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब अपने साहस का आप परिचय देंगे। तुला राशि वालों, आज आपकी कुंडली में राहु के साथ मंगल का गोचर है जो आपकी क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। आप बहुत शक्तिशाली होंगे, साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे। अपने बल से जीवन का सुख है, जीवन में सफलता मान प्रतिष्ठा आप प्राप्त कर सकते हैं, किसी पर शासन कर सकते हैं, जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि आज आपकी कुंडली में जो बृहस्पति की स्थिति है अति शुभ है। बृहस्पति जिसके ऊपर सूर्य की दृष्टि है आपके लिए बड़ा लाभकारी योग बना रहा है। वहीं आज आपकी कुंडली के लग्न में केतु बैठा है जिसके प्रभाव से आपका जीवन यशस्वी बनेगा। किसी भी निर्णय को आप तेज गति से लेंगे, कारोबार के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में अपार सफलता और शक्ति आपको अद्भुत क्षमता दे रहा है। बड़ी चतुराई से काम करेंगे, आपके जीवन में धन समृद्धि बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, संपत्ति और लाभ का योग बनेगा। आपका जीवन सौंदर्य और प्रेम आपके जीवन में गजब का सुख देगा। आज शुक्र की स्थिति जो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में बैठा है, शुक्र जब भाग्य स्थान में गोचर करता है तो आपका जीवन सुखी होने लगता है। आप अपने जीवन में कुछ ऐसे खास काम को पूरा करते हैं, जटिल काम को पूरा करते हैं जिससे आपका मान सम्मान बढ़ता है, आपके अंदर ऊर्जा साहस बढ़ती है, आपके जीवन में आपकी खूब प्रशंसा होती है। क्योंकि आज सूर्य बुध के साथ आपकी कुंडली के कर्म स्थान में बैठा है, सूर्य आपके लिए लाभ स्थान का स्वामी है और बुध आपके लिए भाग्य स्थान का स्वामी है। जब भाग्य स्थान और लाभ स्थान का स्वामी कर्म स्थान में गोचर करता है तो आपके जीवन में बड़े लाभकारी योग बनते हैं, जटिल से जटिल कार्य भी पूरा होता है। ऐसे काम जो आपके मन में उलझन पैदा कर दिया है, ऐसे काम जो आपके जीवन में उथल पुथल मचा दिया है, वो काम भी पूरा होता है। आपका स्वाभिमान बढ़ता है, आपके जीवन में लाभ तरक्की होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने जीवन में बड़े सावधानी से आज काम करें। आज का दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग है। ये दो योग आपके जीवन में बड़े लाभ लेकर आते हैं। आज सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि ये दोनों योग रोहिणी नक्षत्र में वृद्धि योग में
चंद्रमा और शुक्र के प्रभाव में आपके जीवन को सुंदर बनाएगा। स्त्री से प्यार होगा, जीवन साथी से आप भरपूर प्यार करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में हर काम को व्यवस्थित ढंग से करेंगे। आपका जीवन सफल होगा क्योंकि चंद्रमा आपकी कठिन परिस्थिति को बदलेगा। शुक्र का प्रभाव आपके लिए इतना शुभ है कि आपकी जीवन की दिशा भी बदलेगी, आपका भाग्य भी चमकेगा और आपकी जीवन की स्थिति भी आपके अनुकूल होगी। वैवाहिक जीवन बड़ा सुख देगा, जीवन के संघर्ष खत्म होंगे। 18 से 36 वर्ष का जो समय है आपके लिए, वो जीवन के संघर्ष पर विजय प्राप्त करने का समय है। और 36 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के जो लोग हैं, उनके जीवन में शुभ काम होगा, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बड़ा भाग्यशाली योग है जो आपके जीवन में बड़ी समृद्धि, बड़ा लाभ, धन सौभाग्य को बढ़ाएगा, क्योंकि आज का दिन ही इतना सुंदर है जो आपके जीवन में बहुत कुछ देकर जाएगा। सुंदर मनमोहक छवि जो दूसरे को अपने ओर आकर्षित करेगा। पराक्रमी साहस भरा स्वभाव जो आपको तेजस्वी बनाएगा, महत्वाकांक्षी बनाएगा। आपके जीवन में बड़े लाभ और धन का योग है। समृद्धि सौभाग्य आज आपके जीवन में आपको सब कुछ देगा। आप धन कमाएंगे, सुख पाएंगे, लाभकारी योग है। आपका जीवन आपको सुख देगा, सौभाग्य देगा, समृद्धि देगा, लाभ देगा। यानी आज हर तरह से आपके लिए समय लाभकारी साबित होगा, भाग्यशाली साबित होगा। तुला राशि वालों, आज चंद्रमा और शुक्र के प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बेहतर होगा, हर्षोल्लास का वातावरण होगा। आपके जीवन में समय बड़ा शुभ होगा जिसमें धन की वृद्धि होगी, सफलता कामयाबी आपको प्राप्त होगी। आज का दिन आपके लिए बड़ा भाग्यशाली साबित होगा। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा, शनि बृहस्पति मंगल और शुक्र। प्रथम चरण का शनि जो आपकी कुंडली के सुख स्थान में बैठा है, शनि जो आपके जीवन में हर प्रकार का सुख देता है, आपके जीवन में बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, अवसर देता है, आपको सुखी बनाता है, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाता है। आज का दिन आपके लिए बेहतर है तो बेहतर परिणाम भी आप प्राप्त करेंगे। आज आपके घर का माहौल भी अच्छा होगा, अनेक क्षेत्रों में आज आपको तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। आज मनोबल में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज का दिन धन लाभ होने की उम्मीद, आप पैसा कमाएंगे, जीवन में सुख पाएंगे। आज बृहस्पति जो द्वितीय चरण का है, बृहस्पति के कारण आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बृहस्पति के कारण आज आपके जीवन में खुशनुमा माहौल होगा। तृतीय चरण का मंगल आपके जीवन में साहस देगा, समृद्धि देगा। और चतुर्थ चरण का शुक्र आपके भाग्य को बढ़ाएगा, आपके जीवन में लाभ का योग बनाएगा। तो तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का पंचांग, ग्रहों की दशा। आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ है। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शनिवार का दिन 23 जुलाई। सिर्फ आपको थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, कोई अच्छी खबर मिलेगी, मेहनत का फल मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा और आपके जीवन में बड़ी तरक्की उन्नति की प्राप्ति होगी। आज कृतिका नक्षत्र में सूर्य उसका स्वामी है और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा स्वामी है। शाम 7:03 के पहले कृतिका नक्षत्र का सूर्य मंगल शुक्र का प्रभाव और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव, यानी समय आपके लिए लाभदायक स्थिति बनाएगा। आज आपकी किस्मत चमकेगी, आपके जीवन में लाभ होगा, समय सुख देगा, दिन खुशहाल होगा,
आज आपके जीवन में ज्यादा मुनाफा होगा, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, ऊर्जा से भरपूर आज का दिन आपके लिए तरक्की, सुख शांति और संपत्ति हासिल करने में आपकी मदद करेगा। आज ये बड़ों का आशीर्वाद, शुभकामनाएं आपके जीवन की जुड़ी समस्याओं को दूर करेगा। बेहतर दिन है, समय का लाभ उठाएं। शानदार समय आपके जीवन को एक नई दिशा दे रहा है, जिससे आपके जीवन में धन कारोबार बढ़ेगा, बड़ी सफलता कामयाबी मिलेगी, आपके जीवन में लाभ और खुशी का अवसर प्राप्त होगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:05 से 4:56, ब्रह्म मुहूर्त सूर्य का प्रभाव, एक नई शुरुआत, कृतिका नक्षत्र गंड योग में पर मधु सर्पिक्स योग है, थोड़ा बच के रहने की जरूरत है, तो थोड़ा सावधानी रखें, बाकी समय आपके लिए लाभदायक है, जो आपके जीवन में उत्साह का माहौल बनाएगा, आपके जीवन में लाभ तरक्की देगा, सुख समृद्धि देगा, भाग्य अच्छा है, तो जीवन में हर प्रकार की सफलता कामयाबी आप प्राप्त करेंगे। अभिजीत मुहूर्त 12:00 से 12:55 का समय, अभिजीत मुहूर्त जो आपके जीवन की बाधाओं को दूर करता है, अभिजीत मुहूर्त जिसमें आपके जीवन में धन लाभ होने के संकेत प्राप्त होते हैं, भाग्य का साथ मिलता है, अपने काम को मेहनत से करें, आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा। और विजय मुहूर्त 2:44 से 3:39 का समय, धन कारोबार के लिए शुभ है, अच्छे अवसर मिलेंगे आपके जीवन में, आपके काम की प्रशंसा होगी, लाभकारी योग है। अमृतकाल 4:23 से 6:10, अमृतकाल जिसमें आपके कार्य में सफलता, जीवन में खुशहाली, रिश्तों में प्यार और आपके जीवन में अच्छे परिणाम आप प्राप्त करते हैं। 7:03 के बाद जब रोहिणी नक्षत्र का उदय होगा, तो सर्वार्थ सिद्धि अमृत सिद्धि योग आपके जीवन में आपको तेजी से आगे बढ़ाएगा। आज का दिन आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में वृद्धि योग में सर्वार्थ सिद्धि अमृत सिद्धि 7:03 का समय आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा, जब चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। चंद्रमा कर्म स्थान का स्वामी है और शुक्र लग्न का स्वामी है, शुक्र भाग्य स्थान में बैठा है और चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग अमृत सिद्धि आपके जीवन में शुभ फल लेकर आएगा, वृद्धि योग में धन बढ़ेगा, भाग्य चमकेगा, जीवन में तरक्की होगी, खुशी की प्राप्ति होगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे। तुला राशि वालों, आज का राहु काल 9:02 से 10:42, राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें, आपके लिए लकी कलर व्हाइट होगा, लकी नंबर 1 होगा। तो सूर्य शुक्र चंद्रमा का प्रभाव, आज का दिन सर्वार्थ सिद्धि अमृत सिद्धि, शनिवार का दिन हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, जीवन में हर प्रकार का सुख आप प्राप्त करेंगे, हनुमान जी आपको सौभाग्य देंगे, हनुमान जी सफलता देंगे, हनुमान जी के आशीर्वाद से जीवन में सुख धन बढ़ेगा और हनुमान जी के आशीर्वाद से ही आपके जीवन की परेशानी बाधा खत्म होगी। तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।